1980 की दहाई में हमसाया मुल्कों के दरमियान बड़ी इक्तसादी और सियासी कशीदगी थी। समंदरी सफर करने वाले मछेरे मशकूक समझे जाते थे। शक की गिरफ्त में आने वाला ऐसा ही एक मछेरा माजिद अब्दुल्लाह था। मैं माजिद से तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। माजिद, बहुत अहम काम सौंप रहा हूँ, वादा करो तुम उसे पूरा करोगे। मैं वादा करता हूँ कप्तान, आप काम बताओ। मेरे मरने के बाद जहाज के कप्तान तुम हो। जहाज को बाहिफाजत जजीरे तक ले जाना, साहिल पर पहुंचकर सरदार से मिलना और उसे ये खत पहुंचा देना। शायद सरदार तुम्हें कोई दूसरा खत दे। फिक्र ना करो कप्तान, मैं हर काम के लिए तैयार हूं। वो तुम्हें किसी अहम मिशन पर रवाना करे। कप्तान, अशहदु अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कप्तान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तेरा
खैर करे राशिद, जहाज को अब तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ हाँ जी साहब, काफी देर हो चुकी है। आ गया जहाज, जहाज आ गया, आ गया जहाज। ए ए अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है माजिद, हमारा चेहरा कुछ उतरा उतरा लग रहा है, सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है। क्यों? क्या बताऊं, अनहोनी हो गई, कप्तान अल्लाह को प्यारा हो गया। मौत पर किसी का जोर नहीं चलता, एक ना एक दिन तो हम सबको मरना ही है। वैसे भी माजिद, बूढ़ों को मरकर जवानों के लिए जगह तो खाली करना ही पड़ती है। तुम ये बताओ, जहाज तो हिफाजत से पहुंच गया ना? जी हाँ हाजी साहब, पहुंच गया है। मुबारक आ गया है, ये आपको तफसील बता देगा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। जाओ। माजिद आ रहा हूं। अल्लाह बख्शे कप्तान, बहुत बहादुर और बड़ा ईमानदार आदमी था। हाजी साहब, कप्तान की आखिरी सांस लेने की देर थी कि माजिद ने किसी से भी मशवरा किए बगैर सारे जहाज का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया, और तो और किनारे तक पहुंचने में पूरा डेढ़ दिन जाया कर दिया, पूरा डेढ़ दिन। माजिद ने जहाज का इंतजाम अपने हाथ में लेकर अपना फर्ज पूरा किया है। रही बात ताखीर की, तो उससे पूछूंगा, कोई माकूल वजह हुई तो दाखिल काबिल माफी है। मुबारक बच्चे, हो सकता है कि जहाज में कोई खराबी हो गई हो। अरे हाजी साहब, जहाज में कोई खराबी नहीं थी, जहाज बिल्कुल ठीक था। हाँ अलबत्त, जो रवानगी में ताखिर हुई ना, वो उस जजीरे पर बेवजह कयाम करना था। माजिद, माजिद। जी हाजी साहब। तुम अपने काम से फारिग हो गए हो? जी अब मैं फारिग हूँ। तो ठीक है, आ जाओ, साथ ही खाना खाते हैं। नहीं हाजी साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपका बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मुझे अपने वालिद से मिलना है। ठीक है जाओ, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, और अपने वालिद से मेरा सलाम कहना। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ा ही सादतमंद बेटा है, अल्लाह ऐसी नेक औलाद सबको दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम आ गए बेटा? जी बाबा जानी, क्या बात है, आप कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने दवा ली थी? मुझे दवा की क्या जरूरत है, अब तुम जो आ गए हो सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने पहले मैंने आपको 2000 रुपए दिए थे, आपको दवा लेनी चाहिए थी। बेटा शायद तुम भूल गए हो, हमने अपने पड़ोसी सालिम से कुछ कर्जा लिया था, सो मैंने लौटा दिया। लेकिन हमने 1600 रुपए उधार लिया था और आपने सारी रकम अदा कर दी, और 2 महीने में सिर्फ 400 रुपए में गुजारा कर लिया। 2 वक्त की रोटी चाहिए थी, सो गुजारा हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह। माजिद, माजिद। सालिम आ रहा है। सालिम एक दोगला आदमी है, इसके दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजार में मुबारक मिला था, उसने बताया कि तुम आए हो, तो सोचा तुम्हारी खैर खबर लेता चलूं, तो सीधा यहां चला आया। हाँ वो मुबारक बता रहा था कि तुमने रहीम साहब के यहां दावत ठुकरा दी। माजिद, तुमने इनकार क्यों किया? मुझे आपसे मिलने की बहुत जल्दी थी। लेकिन हो सकता है तुम्हारे इस इनकार से रहीम साहब बुरा मान जाएं, और वैसे भी तुम कप्तान बनने वाले हो, और ऐसे मौकों पर अपने मालिक को नाराज करना अच्छी बात नहीं। मैं ये सब कुछ किए बगैर भी कप्तान बन सकता हूँ बाबा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं फातिमा से मिला। जा बेटा, जरूर जा, फातिमा को भी तुम्हारा इंतजार था। खुदा तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हमेशा खुश रखे। चाचा जान, फातिमा अभी इसकी बीवी नहीं है, मगर बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। खुदा हाफिज अब्बा जान। खुदा हाफिज। देखो फातिमा,
मिलन की रुत फिर आ गई है। कह दो कि ये घड़ी शादी की घड़ी है। जाबिर, मैं हजार बार तुम्हें इसका जवाब दे चुकी हूँ, बार बार ये सवाल करके क्यों मुझे तंग करते हो? अपना जवाब फिर दोहराओ फातिमा, कह दो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत से इनकार है। फातिमा, मैं गुज़िश्ता 10 साल से तुम्हारा शौहर बनने के ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने इस सिलसिले में कभी तुम्हारी आस नहीं बंधाई, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा और बहन बनकर अपने जज्बात का इजहार किया। मैं अपना दिल किसी और को दे चुकी हूँ। सुनो फातिमा, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती कि जब तुम ये सच बोलती हो ना तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सुनो फातिमा, जिसका तुम्हें इंतजार है ना, उसका दिल समुंदर की इन लहरों की तरह बदलता है, उसे वफा की कोई उम्मीद नहीं। मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ, उसका इंतजार करती हूँ, वो जो कुछ भी है मेरा है, वो मरते दम तक मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। और अगर वो मर गया हो तो मैं भी जान दे दूंगी। देखा तुमने, सुन रहे हो तुम, वो आ गया है। फातिमा, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई तीसरा आदमी भी है। ये सब कौन है? ये न गैर है न दुश्मन, बल्कि मेरा भाई है जो मोहब्बत से तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेगा। खुदा कसम, जब कोई गम इस तरह अचानक आ जाता है तो दिल में कांटे की तरह चुभता है। वैसे जाबिर, तुम अकेले नहीं हो जिसको माजद के आने से तकलीफ हुई हो। यहां और भी लोग हैं जिनको माजद के आने का बहुत दुख है। छोड़ो, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। कब से चाहते हो फातिमा को? जब से पहली बार तुम्हें उसे देखा था तब से। और तुम यहां बैठे अपने बाल नोच रहे हो? अरे तुम्हें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपनी मोहब्बत को हासिल कर सको। माजिद को तो मैं मार दूं, लेकिन लेकिन क्या? फातिमा कहती है माजिद मर गया तो वो भी मर जाएगी। जाबिर, ये औरतें कहती बहुत कुछ है मगर करती कुछ भी नहीं। वैसे क्या उसे मरना चाहिए? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या माजिद की मौत तुम्हारी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए जरूरी है? और अगर जरूरी है तो क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी नफरत है कि तुम उसे जान से मार सको? मैं क्या चाहता हूं मुझे नहीं पता, मगर मुझे पता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे माजिद से बहुत नफरत है। उसका नाम आ जाए तो मेरा खून खौलने लग जाता है। मैं अपने वतन से वफादारी का फर्ज अदा करते हुए आपको ये इत्तला देना चाहता हूं कि एक गद्दार वतन को नुकसान पहुंचाना चाहता है जिसका नाम है माजिद अब्दुल्ला।
जो आज ही एक जजीरे से आया है और बहरी जहाज का कप्तान है। इसके पास एक ऐसा खत है जो वतन से गद्दारी का सबूत है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो खत उसके पास से बरामद हो सकता है और वतन को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो इस खत को एक मुखालिफ जजीरे के सरदार से लेकर आया है और इसे इस्लामाबाद पहुँचाना चाहता है। ये खत आपको उसकी जेब से या घर से या बाप के पास से मिल सकता है। मैं जरा दुल्हे से मिला। क्यों मियां, कैसा लग रहा है? यह एहसास भी कितना खुशगवार है कि एक घंटे के अंदर फातिमा मेरी बीवी बनने वाली है। अरे वाह इतना ना इतना। अभी से शहरों वाले लहजे में बात करोगे तो फातिमा बुरा मान जाएगी। सब्र करो मियां, अभी वो तुम्हारी बीवी नहीं है, अभी कुछ वक्त बाकी है। ये वक्त भी ऐसे ही गुजर जाएगा। माजिद अब्दुल्ला कौन है? मैम क्या बात? मेरे पास गिरफ्तारी का वारंट है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन क्यों, मेरा जुर्म क्या है? नहीं बता सकता तुम्हारा जुर्म क्या है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा जुर्म बताया जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कसम खाता हूँ, मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया। आज इसकी शादी है, खुदा के लिए इसे गिरफ्तार न करें। बाबा परेशान ना हो, जरूर कोई गलत फहमी होगी, बहुत जल्द मैं लौट आऊंगा। अरेस्ट हिम। मेरे बेटे को गिरफ्तार न करो, ये बेकसूर है, बेकसूर है ये। जब तुम्हें गिरफ्तार किया गया था तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं दूल्हा बनने की तैयारी कर रहा था। मैंने सुना है तुम सियासी तौर पर बहुत इंतहा पसंद नजरियात रखते हो। सियासत से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, मैं कोई नजरिया नहीं रखता। तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई ऐसा दुश्मन जिसे तुम पहचानते हो? मेरी हैसियत अभी इतनी नहीं कि कोई मेरी दुश्मनी पर उतर आए। मैं ये तहरीर पहली बार देख रहा हूं, मैं इसे नहीं पहचानता। अब तुम मुझे ये बताओ कि इस खत में जिस खत की तरफ इशारा किया गया है उसकी हकीकत क्या है? जहाज में कप्तान शदीद बीमार हो गया, वो बहुत बेचैन था कि किसी ना किसी तरह जजीरे तक पहुंच जाए। जब वो करीबुल मर्ग था तो उसने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे तुम्हारी बात में सच्चाई नजर आती है, इस खत को भूल जाओ और जाओ अपने दोस्तों के साथ जाके खुशियां मनाओ। मैं आजाद हो गया, मैं जाऊं जनाब? हाँ जाओ। सर ये लीजिए। ठहरो जी। अब्दुल हमीद कातिब, क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं, मैं हुक्मरान वक्त का वफादार हूं, जिसका नमक खाता हूं उसके खिलाफ साजिश करने वालों को जानना मेरे लिए जरूरी नहीं। इसका मतलब है कि ये एक साजिश थी? एक बात बताओ, तुमने इस खत के बारे में किसी को बताया तो नहीं? बखुदा किसी को नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें फौरी तौर पर रिहा कर दूं, मुझे जज से मशवरा कर लेना चाहिए। अभी अभी तो आप एक इंस्पेक्टर की बजाय दोस्त बन के मुखातिब थे। तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत ये खत है ना? जला दिए सारे सबूत। देखो मैं तुम्हें कल तक कैद में रखूंगा ताकि कोई तफ्तीश शुरू ना हो जाए। और हां एक बात और याद रखना, किसी को भी इस खत के बारे में बिल्कुल नहीं बताना। मैं वादा करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जी सर, ले जाओ इन्हें। चलें। शुक्रिया।
ये तो अच्छा हुआ कि आज चीफ यहां मौजूद नहीं था, वरना मैं तो बर्बाद हो गया था। मेरे बाप का किरदार हमेशा मेरी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बना है। ये खत जो मेरी बर्बादी का बाइस बनने वाला था, अब मेरी कामयाबी का सबब बनेगा। भाई हम कहां जा रहे हैं? अपने इर्द गिर्द देखो, शायद तुम जान जाओगे कि तुम कहां जा रहे हो। ये जगह तो मुजरिमों की है, मैं कोई मुजरिम तो नहीं। सुलेमान ने मुझे ये कहा था कि आप लोग मुझे मंजिल तक पहुंचा देंगे। हम उसके मुलाजिम हैं, हमें उसका हुक्म मानना है। मैं बेकसूर हूं, मैं बेगुनाह हूं, छोड़ो। क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे नहीं मालूम। तुम क्या चाहते हो? मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। जी क्या मसला है? जी मैं अपने बेटे माजिद के सिलसिले में आया हूँ। उसने एक नाकाबिले माफी जुर्म किया है, वो सजा से नहीं बच सकता। क्या किया है उसने? साजिश, बगावत। किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ। ऐसा नहीं हो सकता, माजिद ऐसा नहीं कर सकता। एक बागी सरदार का खत उसके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही है, और वही उसे सजा दिलाने के लिए काफी। क्या उससे हमारी मुलाकात हो सकती है? अगर वो मेरी हिरासत में होता तो मैं आपकी मुलाकात करा देता, लेकिन मैं मजबूर हूं, वो मेरी कैद में नहीं। तो कहां है वो? मुझे मालूम नहीं। हौसला करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थानेदार साहब, माजिद का कुछ पता चला? आप आइए, आप इस कागज पे वजीर के नाम एक रहम की अपील लिखी लीजिए। ठीक है बेटा, देख देता हूं। ये लो बेटा, अब तो माजद का पता चल जाएगा ना, इसे किसी बड़े अफसर तक पहुंचा देना। मैं तुम्हारा यह आसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खुदा हाफिज। आजा साथिया, आजा साथिया, आजा साथिया।
रखी थी पल तुमने सपनी थी रो के दुख पाए दुनिया के मैंने तुझे खो के चाहता हूं कि आखिर मेरा जुर्म क्या है। अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे गोली मार दो, और अगर मैं बेकसूर हूं तो मुझे आजाद कर दो। आजादी इतनी जल्दी, सिर्फ 17 महीने बाद? आप ये नहीं जानते कि इस काल कोठरी में एक पल कितने बरस का होता है, और वो भी उस शख्स के लिए जो खुले समंदर में रहता हो, जो पानी के बहाव का आदि हो। उसके लिए एक पल एक सदी के बराबर होता है, एक सदी के बराबर। मैं अपनी कैद की वजह जानना चाहता हूं, आखिर मेरा जुर्म क्या है? तुम गद्दार हो। अभी कभी समुद्री सफर के दौरान यूं भी हुआ कि देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छा गए, मौजें बिफर गई, तेज तूफान ने खूंखार परिंदे की तरह आसमान को अपने परों से ढांप लिया, नुकीली चट्टानों पर मौत लहराने लगी। उस घड़ी मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जहानत और हिम्मत को बरूए कार लाकर मौत से जंग लड़ी और उसे शिकस्त दी। ये सब कुछ मैं इसलिए करता था कि मुझे जिंदगी से प्यार था, मेरा ईमान था कि मैं खुदा की तख्लीक हूँ। उसने मुझे मछलियों की खुराक बनने के लिए नहीं, अपनी खिदमत के लिए पैदा किया है। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं, जिंदगी से मेरा रिश्ता टूट चुका है, मौत मुझे देखकर हंसती है, रू गमगीन है, जिस्म शिकस्ता है। जब मैं अपने कैद खाने के अनगिनत चक्कर लगाकर लेटता हूँ तो मेरी थकी रूह और टूटा जिस्म फौरन नींद के समंदर में डूब जाता है।
क्या हो गया? मेरे कंपास ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे यहाँ पहुंचा दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया। कौन है आप? मैं बाबा खान हूँ। एक मुद्दत से यहाँ कैद हूँ। माँ मेरी कोठरी में मैं तुम्हें एक नई दुनिया से मुतारफ करा रहा हूँ। आज आज अब मुझे अपने काम से इतनी मोहब्बत है कि मैं रात देर तक काम करता हूँ। रात होने के बाद भी मुझे हर चीज साफ दिखाई देती है। ये जो खाना आता है ना मेरे पास, उसमें चर्बी होती है। मैंने उस चर्बी को जमा करके रोशनी का जरिया बना लिया। आपने कैद में रहते हुए सब कुछ कर लिया, अगर आजाद होते तो क्या करते? ये ना कर पाता, क्योंकि जब मैं आजाद होता तो मेरे जहन में और बहुत से काम होते। न जाने खुद को किन फजूल कामों में जाय कर दिया होता। ये कैदी तन्हाई हमें बहुत कुछ दे जाती है, अगर हम लेना चाहें तो। गुजरा हुआ हर लम्हा हमें शऊर देता है। आपने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझसे नहीं पूछा मेरी जिंदगी में क्या अजाब गुजरा, मैंने क्या क्या देखा। सुनते हैं तुम्हारी कहानी भी सुनते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ। अच्छा ये बताओ, वो कौन हो सकता है जिसे तुम्हारी गैर मौजूदगी से बहुत ज्यादा फायदा हुआ? कोई भी नहीं। मैं कौन सी इतनी बड़ी हैसियत का मालिक हूं जो मेरे ना होने से कोई बादशाह बन सकता है? अरे एक बंधन होता है जो आपस में एक दूसरे को बांधे रखता है। अच्छे बुरे जज्बे एक दूसरे से रिश्ता बना देते हैं, कहीं दोस्ती का कहीं दुश्मनी का। और तुमने बताया था कि तुम एक जहाज के कप्तान बनने वाले थे और तुम एक खूबसूरत लड़की से शादी भी करने वाले थे। जी, उसी शादी के मौके पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और एक घंटे के अंदर फातिमा मेरी बीवी बनने वाली थी। मेरे जहाज में सब मुझे पसंद करते थे सिवाय एक आदमी के, जिसका अक्सर मुझसे झगड़ा होता। क्या नाम था उसका? मुबारक। ये लिखाई बिल्कुल वैसी है जैसी उस खत की थी। हाँ मेरे अजीज, दाएं हाथ से लिखी हुई लिखाई एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और बाएं हाथ से लिखी हुई तहरीर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। खैर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी शादी के खिलाफ भी, मेरा मतलब है कोई ऐसा शख्स जो तुम्हारी और फातिमा की शादी के खिलाफ हो? हाँ, जाबर। मुबारक और जाबर की आपस में कोई रिश्तेदारी थी, कोई ताल्लुक? हाँ, मैंने उन्हें एक बार कहवा खाने में चाय पीते हुए देखा था। अब तुमने देखा कि दो चेहरे नजर आने वालों के पीछे कैसे कैसे खबीस चेहरे हुआ करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उन सबको मुझसे क्या खौफ था और उन्होंने मुझसे ये दुश्मनी क्यों की। ये बताओ, जब तुम्हें गिरफ्तार किया गया था तो किसके पास लेकर गए थे? पुलिस चीफ के पास या डिप्टी के पास? डिप्टी के पास। उसका रवैया कैसा था? बहुत अच्छा, दोस्ताना।
और हमदर्दाना। और वो जब तुमसे पूछगछ कर रहा था तो कहीं किसी मौके पर उसका रवैया तब्दील हुआ? वो बहुत परेशान लग रहा था और कह रहा था ये खतरनाक मामला है और तुम बड़ी परेशानियों में गिरफ्तार हो चुके हो। वो खत कहाँ है? वो खत उसने जला दिया मेरे सामने। ये तो बड़ा संगीन मसला है। ये मामला तो वो नहीं है जो मैं समझ रहा था। वो खत किसके नाम था? अब्दुल हमीद के नाम था। और डिप्टी चीफ का क्या नाम था? जी सुलेमान। सुलेमान, तुम बहुत भोले आदमी हो। क्या तुम नहीं समझे कि उसने खत क्यों जलाया था? नहीं। उसने अब्दुल हमीद का नाम छुपाने के लिए जलाया था। लेकिन क्यों? ओहो, इसलिए कि अब्दुल हमीद डिप्टी का बाप था। उसका बाप? क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है मेरे अजीज। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे अकेला छोड़ था। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे जख्मों को कुरेदा है मेरे अजीज, जिससे तुम्हारे अंदर के इंतकाम की आग भड़क उठी है। मुझे अफसोस है। आप बहुत ही ज़हीन इंसान हैं। क्या मुझे वो सब सिखा सकते हैं जो आप जानते हैं? हाँ, अगर तुम चाहोगे तो सीख जाओगे। शायद डेढ़ दो बरस लग जाएंगे मगर तुम सीख जाओ। इतने कम अरसे में? हाँ, लेकिन जो तुम जो कुछ भी सीखोगे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकोगे जब तक तुम यहाँ कैद हो, उस वक्त तक कम से कम, लेकिन बुनियादी बातें जान जाओगे। देखो, पढ़ा लिखा होना और काबिल होना दो अलग अलग बातें हैं। पढ़ा लिखा होना याददाश्त का मसला है, जो याद करोगे वो याद रहेगा, और काबिल होना अकलमंदी का मामला है, और अकलमंदी के लिए फलसफे का मुताला जरूरी है। मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है। हो सकता है ये मुझे मासूर कर दे और मैं किसी काबिल न रहूं। खान बाबा, आप फिक्र न कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उठाओ मुझे, मैं ऐसी बात बताना चाहता हूँ तो रास बनकर मेरे सीने में दफन है। ये देखो। ये क्या है? ये मेरा खजाना है। मैंने तुम्हें बताया था कि अब्दुल रशीद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो आखिरी शहजादा था, उसके नसीब में कोई बेटा नहीं था। उसका सारा खानदान खत्म हो गया। उसके पास बेपनाह दौलत थी, वो अपनी तमाम दौलत मुझे देकर मर गया। इसे मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ मेरा नहीं है, इसके हकदार आप हैं। और अगर मैं न रहा तो भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ। तुम ही मेरे बेटे हो, खुदा ने इस कैदखाने में तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम्हें मेरे दुख दर्द के शरीक हो, और जो दुख दर्द का शरीक होता है उससे बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं होता। मेरे वारिस, मेरी जानशीन, मेरी दौलत हो तुम। सिर्फ अपने लिए सोचो। तुम आजाद हो सकते हो, तुम्हें इन दीवारों को तोड़कर आजाद होना होगा। तुम्हें आजाद होना है। तुम भी
इरादा कर लो, और जो इरादा कर लेता है कोई दीवार उसकी रुकावट नहीं बन सकती। तुम्हें जाना है, अपने लिए सोच लेना, वक्त बहुत कम है। तुम्हें जसेगा बोलना। खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा, कोई है? कोई है? अरे बचाओ, कोई है? कोई है? खान बाबा, क्या हो गया? क्या हो गया? या खुदा, दो तीन घंटे के अंदर जेलर मेरे कमरे में जाने वाला है, मेरे दोस्त की लाश देखने वाला है, सारे राज खुलने वाले हैं, पुलिस की फोर्स मेरे पीछे आने वाली है। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे सर्दी लग रही है। या खुदा मुझे बचा दो, या खुदा मुझे बचाओ, रहम रहम रहम। तुम कौन हो? मैं एक मल्लाह हूं। मल्लाह? हाँ। तुम कहां से आ रहे हो? मैं अम्मान से आ रहा था, मेरी कश्ती चट्टान से टकरा कर तबाह हो गई। आज दिन क्या है? फरवरी 28 तारीख है। साल कौन सा है? क्या साल पूछा है तुमने? हाँ, मैं साल पूछ रहा हूं। सन 2006। मेरी जिंदगी के 14 साल अंधेरी कोठरी में गुजर गए। ये वो जजीरा है जिसका जिक्र कर रहे हो। हाँ भाई, तैयार हो गया है? हाँ हाँ, खाना तैयार हो गया है। क्या हुआ? पांव में मुझ आ गई है। क्या करें, ना तो तुम्हें इस हालत में छोड़कर यहां से जा सकते हैं और ना ही हम यहां रुक सकते हैं। तुम लोग मेरी फिक्र न करो, जाओ। हमें कम से कम एक हफ्ता यहां लग सकता है। देखो, तुम लोग जाओ, मैं यहां इसके पास रुक जाता हूं।
तुम एक नेक इंसान हो, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर जरूर देगा, मगर मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम अपना नुकसान करो। एक या दो दिन की बात है, आराम कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। बड़ी अजीब बात है कि ऐसे लोगों में सच्चे दोस्त भी मिल सकते हैं। अब खुल जाओ सिम सिम। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सालिम जी? आइए। तशरीफ रखिए, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। यहाँ एक मल्लाह था माजिद, सन 82 में, क्या आप उसे जानते हैं? जी हाँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। कहाँ है वो, आपको कोई उसका अता पता है? मेरा मतलब वो जिंदा है या मर गया? वो मायूसी और मुफलिसी की मौत मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन एक शख्स माजिद के साथ रहता था, जाने से पहले उसने एक हीरा माजिद को दिया था जो बहुत कीमती था। मरते वक्त उसने कहा था कि इस हीरे के 5 हिस्से कुछ लोगों को पहुंचा देना। उनमें से एक का नाम था सालिम, दूसरा मुबारक, तीसरा जाबर और चौथा, ओह चौथा तो मैं भूल गया हूं, फातिमा। हाँ फातिमा। और पांचवा तो माजिद का बाप था, वो कहाँ है? वो बेचारा तो बेटे की राह तकते तकते भूख से मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग इस तोहफे के हकदार नहीं है, वैसे भी उनके लिए इस तोहफे की कोई अहमियत नहीं क्योंकि आज उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। मुबारक और जाबर क्या इतने अमीर हो गए? इतने कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनके खिलाफ एक भी लफ्ज कहना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है।
और इब्राहिम के बारे में? जी, रहीम खान ने माजिद के वालिद का काफी ख्याल रखा, उनकी बहुत खिदमत की। रहीम साहब ने माजिद के वालिद के सरहाने एक पर छोड़ा जिससे हमने उनके कफन दफन का इंतजाम किया। वो अभी तक जिंदा है? जी जिंदा तो है, मगर अब उनके पास कुछ भी नहीं, जो था धीरे धीरे सब खो दिया। ये वो हीरे हैं जो माजिद ने मुझे दिए थे, अब ये तुम्हारे हैं। ये हीरा आप मुझे दे रहे हैं? जी मैं तुम्हें दे रहा हूं। मुझे अकेले को? देखिए आप मुझसे मजाक ना कीजिए। मुझे मजाक करने की आदत नहीं, लेकिन इस हीरे के बदले मुझे वो पर्स चाहिए जो अब्दुल रहीम ने माजिद के वालिद को दिया था। सलाम अलैकुम सही। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सही? तशरीफ रखिए। फरमाइए, इस सिलसिले में आना हुआ? मैं रजब कारपोरेशन की तरफ से आया हूं। रजब कारपोरेशन ने आपकी ताजराना ईमानदारी और वक्त पर अदायगी को मद्देनजर रखते हुए 20 लाख रुपया कर्ज दिया था, जिसकी वापसी की तारीख गुजर चुकी है। अब यह अदायगी कब मुमकिन होगी? माफ कीजिएगा, इतनी बड़ी रकम की अदायगी यकमुश्त फिलहाल मेरे लिए अदा करना न सिर्फ ये कि मुश्किल है बल्कि नामुमकिन होगा। आपका कोई दोस्त, हमदर्द, मददगार? आज के नफसा नफसी के तजारती दौर में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अदायगी के लिए कुछ वक्त चाहिए आपको? मेरी इज्जत और मेरे वकार इसी में है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदी। कितना वक्त चाहिए आपको? अगर 2 माह की मोहलत मिल जाएगी तो मैं ये रकम अदा करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको 3 महीने का वक्त देता हूं। आज 5 जून है, 5 सितंबर, ठीक 11 बजे मैं इस रकम को वसूल करने आऊंगा। ठीक है, मैं ये रकम जमा करके आपका इंतजार करूंगा, और ऐसा नहीं कर सका तो मेरी मैयत आपका इंतजार करेगी। अब इजाजत दें सही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। ठीक 11 बजे रजब कॉर्पोरेशन का आदमी 20 लाख की रकम वसूल करने के लिए आ जाएगा। मैंने हर तरह से हाथ पांव मारे, बड़ी भाग दौड़ की, हर तरह की कोशिश करके देख ली, मगर इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सका। अब मेरी इज्जत, मेरे वकार, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, मेरी अहमियत सब खाक में मिल जाएगी। मैं ये बाजी हार जाऊंगा। खैर छोड़ो, ये बातें तुम नहीं समझोगे बेटा, बस तुम जाओ, जाओ बेटा, और जब रजब कॉर्पोरेशन वाला आदमी आए तो मुझे इतला कर देना। जाओ। रब्बुल इज्जत, तूने मुझे दुनिया की सारी नेमत दी, तकदीर, वकार दिया, दौलत दी, और सबसे अजीम नेमत औलाद दी। लेकिन मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभाल ना सका। मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाहों की सजा मेरी औलाद को ना दे, मेरी औलाद को बख्श दे।
परवरदिगार, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, मैं इसमें पूरा नहीं उतर सकता रब्बुल इज्जत। मैं ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसे बेहतर है कि मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूं। क्या कर रहे हो बाबा? अब आपकी इज्जत और वकार पर कोई हर्फ नहीं आएगा बाबा। ये देखो, रजब कॉर्पोरेशन, मेरी सारी अर्ज अदा कर दी। इसमें मेरी शादी का तोहफा भी है बाबा, देखो। बाबा। हाँ हाँ नासिर बोल। आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचेगी बाबा, हमारा जहाज वापस आ गया है। क्या कह रहा है? ये समंदर में खोया हुआ जहाज वापस कैसे आ गया है? बाबा अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चल के देखिए। वो देखे बाबा, वो देखे। वो देखे बाबा, हमारा जहाज। बेटा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही जहाज है। परवरदिगार, इतना कलम है कि तूने मुझ गुनाहगार की इज्जत रख ली। नेक इंसान, दुआ है कि तुम सदा खुश रहो। उन अच्छाइयों के बदले जो तुमने की हैं और आइंदा करोगे, अल्लाह ताला उनके बदले तुम पे रहमतें और बरकतें नाजिल करे, और मैं हमेशा तुम्हारी रहमदिली और मेहरबानी की छाव में तुम्हारा शुक्रिया अदा करता रहूं। अलविदा रहमदिली, अलविदा हमदर्दी इंसानियत और शुक्रगुजारी, अलविदा दिल को राहत देने वाले जज्बे। अभी मैं फितरत की तरफ से अच्छाइयों का सिला देता था, लेकिन अब खुदाए बुलंद बरतर ने तमाम ताकतों को मेरे सामने झुका दिया है ताकि मैं बुराइयों को अंजाम तक पहुंचा सकूं। आओ याकूब, सारे
हमको बुला कर फूलों को चूमे कलियों से खेले कहती है रुकमन चली ना जाए कुछ कमी कहती है रुकमन चली ना जाए कुछ कमी बचिए हम इस जिंदगी का कल की किसको खबर जवानी है ये घड़ी तो घड़ी का फसाना ये रात मदहोश गाती जवानी है ये घड़ी तो घड़ी का फसाना जादू जगाए ठंडी हवाएं होने लगा है दिल ये दीवाना चारों तरफ छा गई दीवानगी बेखुदी चारों तरफ छा गई दीवानगी बेखुदी पल पल जिए हम इस जिंदगी का कल की किसको खबर राजा साहब वहां हैं। खुश आमदीद ज़हे नसीब मुझे राजा साहब कहते हैं। मेरा नाम सर जाबिर है। जाबिर मेरे वालिद का नाम है। आपकी मेहमान नवाजी देख के यकीन कीजिए जी चाहता है कि सारी जिंदगी आपकी नजर करता हूं। आप बहुत मुबालगे से काम ले रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। जिंदगी आपकी है, आपको मुबारक। अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त आप सफर में ही गुजारते हैं। लगता है जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं आपने। यह अंदाजा आपने कैसे लगा लिया? मसलन बहुत सी चीजों से, आपकी आवाज, आपका चेहरा मोहरा, आप
आपकी आंखें सब इस बात की गवाही देते हैं। और फिर ये आपके रहने सहने का तरीका, जिंदगी में जितनी खुशी और मसरत होनी चाहिए वो मेरे पास है। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई है जिसका मैं बादशाह, एक परिंदे की तरह आजाद हूं। अगर एक बार आप इस जिंदगी का एक पल भी गुजार लें तो अपनी दुनिया में वापस जाना भूल जाएंगे। अगर किसी मकसद को पूरा करने का अहद ना हो तो मसलन किसी से इंतकाम लेने का अहद? इंतकाम का अहद क्यों? क्योंकि मेरा अंदाजा है कि सोसाइटी ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत ज्यादा, और आपके दिल में सोसाइटी से हिसाब किताब चुकाने की आग चल रही है ना? आपने बहुत गलत अंदाजा लगाया है। मैं तो एक सीधा साधा महफिल सजाने वाला फलसफी हूं। हो सकता है मैं एक दिन कराची आ जाऊं और वहां कुछ जहीन लोगों से मिलूं और महफिल सजा लूं। इस सिलसिले में मेरे वालिद बहुत तजुर्बेकार हैं, शहर में उनका अच्छा असर सुर है। अगर आप कभी कराची आना चाहें तो मैं, मेरे खानदान वाले, मेरे दोस्त सब आपकी मेहमान नवाजी के लिए हाजिर। आज 21 फरवरी है, एक बजा है, 21 अप्रैल ठीक एक बजे मैं कराची आने वाला हूं। मेरा इंतजार करना। आइएगा जरूर, इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रूपनगर? भाई मैं तो ये नाम पहली दफा सुन रहा हूं। मैं भी पहली बार ही उसे देखकर आया हूं। बड़ा ही खूबसूरत जसीरा यार। अगर सैफ कहता है तो वाकई खूबसूरत उसका महाराजा उससे भी ज्यादा खूबसूरत। मुझे तो लगता था जैसे सिंबाद कस्म का कोई मल्ला हो जिसने सारी दुनिया की दौलत अपने गारनुमा कमरों में बंद करके रखी हो। तुमने ये गारनुमा कमरे देखे भी हैं या वैसे ही? कौस यार, तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने कितने हीरे जवाहरात सजे देखे। बेटा तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। ओके, काम अब छोड़ो, हैव अ ड्रिंक। ये तो मैं कह रहा हूं राजा साहब, आप वक्त की इतनी पाबंदी माल है। वक्त की पाबंदी शहंशाहों की पहली सिफत होती है। 2 सेकंड देर कर दी, इसके लिए माजरत चाहता हूं। आप यकीन करें मैं अपने दोस्तों से आपका ही जिक्र कर रहा था। ये हैं बदर, शहर के एक बहुत बड़े अखबार के चीफ रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम। खुशी हुई मिलकर। बहुत सुना है आपके बारे में। यह है नासिर अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जी, मेरे वालिद अब्दुल रहीम और मैं नासिर। खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक्स। जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके वालिद पानी का जहाज लाने का कारोबार करते थे और नासिर हवा में जहाज उड़ाना चाहता है। आइए इधर तशरीफ लाइए। अल्लाह हाफिज। अबू यह है राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। यही है जिन्होंने इस मुश्किल में मेरी जान बचाई। राजा साहब जाफिर, आपका एहसान है कि आपने इस घर के चिराग की जान बचाई, एक बाप और मां को नई हयात बख्शी। राजा साहब मेरी वालदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मां यही है वो जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मेरे बेटे सैफ को नई जिंदगी देकर आपने माँ की ममता पर बड़ा एहसान किया है। मैडम जो मैंने किया है वो एक माँ और बाप को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया, बल्कि इंसानियत के नाते किया है। और फिर ये कोई एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बेटे को आप जैसे मोहब्बत करने वाले दोस्त मिले। आप प्लीज तशरीफ रखिए, मैं खाना लगाती हूँ। बैठिए, तशरीफ रखिए।
नहीं राजा साहब, मेरे लिए आगे कदम लेना भी नामुमकिन है। मगर क्यों, क्या खौफ है? मैंने सोचा था कि आप इससे भी अच्छा महल चुनेंगे। इस इलाके में इससे अच्छा कोई घर ना था। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है तुम्हारे पास कहने के लिए कोई राज है। अगर तुम कोई मनगढ़ंत और झूठी कहानी सुनाने वाले हो तो बेहतर है कि तुम चुप रहो। नहीं नहीं राजा साहब, खुदा गवाह है मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। मेरा एक बड़ा भाई था जो पुलिस में मुलाजिम था। एक रात वो गश्त पर था, स्मगलरों के हाथों मारा गया। कातिलों को खोजने के लिए मैंने बहुत कोशिश की पर नाकाम रहा। उसके बाद मैं पुलिस इंस्पेक्टर सुलेमान के पास गया। लेकिन सुलेमान तो... जी हाँ, आज मजिस्ट्रेट है। पहले वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे, इम्तिहान देकर मजिस्ट्रेट बने। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने भाई की पेंशन मांगने सुलेमान के पास गया। सुलेमान ने पेंशन दिलवाने से इनकार किया, ये कहकर कि मेरा भाई स्मगलरों के साथ मिला हुआ था। मैं 3 महीनों तक उनका पीछा करते करते एक दिन मैंने देखा सुलेमान एक जवान औरत को चोरी चोरी इस घर में मिला करता था। यही घर जहां हम इस वक्त खड़े हैं, वो औरत सुलेमान के नाजायज बच्चे की मां बन चुकी थी। एक रात मैंने देखा बच्चा इस वक्त कहां है मुझे नहीं मालूम। इस जमीन पर गुनहगार जितना भी भागे सजा से नहीं बच सकता। एक ना एक दिन कुदरत उसका रास्ता रोक ही लेती है, लेकिन कुदरत का अपना अंदाज और तरीकाकार है। कभी कभी वो इन्हीं मुजरमों को सजा देने के लिए उन्हें आलाकार बनाती है। अपना तो लाइफ का सीधा असूल है, सिक्का घुमाया और फैसला कर लिया। ठीक है, BLC के 50 करोड़ के शेयर्स मेरे नाम पे खरीद लो। खुशामदीद जहे नसीब राजा साहब, क्या आप हमारे ऑफिस तशरीफ लाए? आप अपने बैंक के मालिक हैं, स्टॉक एक्सचेंज के सदर भी हैं, आप ये सब कैसे संभालते हैं? लगता है आपको कहीं देखा है। शायद। राजा साहब, आपके आने से बस कुछ देर पहले मैं अपने दुबई के मैनेजर का पैगाम पढ़ रहा था। मुझे खुशी है कि मैं इस बात से बच गया जो आपके मैनेजर ने खुद ही पैगाम लिखकर आपको भेज दिया। जी राज साहब, ठीक सुना आपने, लेकिन एक मुश्किल है इस पैगाम में। कौन सी मुश्किल?
इस पैगाम में एक लफ्ज अनलिमिटेड का लिखा है। क्या कराची में इस लफ्ज के मानी नहीं समझे जाते? क्या दुबई में बैठा आपका मैनेजर इस लफ्ज का मतलब नहीं जानता? अरे नहीं नहीं राजा साहब, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, बल्कि दुबई में तो मेरा अमला काफी काबिल अफराद पर मुश्तमिल है। दरअसल आप तो जानते ही होंगे कि माली मामलात में अनलिमिटेड का लफ्ज कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। अब मेरा मतलब है कि ये कि दुबई में आपका मैनेजर अनलिमिटेड से वाकिफ नहीं और आप अनलिमिटेड के खतरे से पूरी तरह वाकिफ हैं। तो फिर तो आपको ये इल्म भी होगा राजा साहब कि अपना बैंक लिमिटेड होने के बावजूद बड़ी से बड़ी डिमांड पूरी कर सकता है। मसलन मसलन 10 करोड़। 10 करोड़? ये तो बहुत ही मामूली रकम है। इतनी रकम तो मैं अपने नौकर इस्माइल को देता हूँ घर के अखराजात के लिए। आपको कितना चाहिए? क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए हैं इसलिए फिलहाल 100 करोड़ काफी होगा। 100 करोड़। ओके, जैसे आपकी मर्जी। अगर मजीद जरूरत पड़ी तो कह दूंगा। क्यों नहीं राजा साहब, खिदमत का मौका तो दीजिए। हौसला करें मैडम, बच्चा मुझे दे। आदिल आगे खोलो। आदिल बेटा आइए आइए। आदिल 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 बेटा आगे खोलो, मामा की तरफ देखो। आदिल होश में आओ। मैं आपको संभालिए मैडम, खतरा टल गया है। बच्चे को कोई जख्म नहीं आया, सिर्फ खौफ की वजह से बच्चा जरा सा बदहवास हो गया है। फिक्र करने की कोई बात नहीं। आदिल आदिल बेटा प्लीज होश में आओ, मेरी तरफ देखो। आदिल 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 ए शाबाश। आदिल आदिल मेरे बच्चे को होश आ गया, मेरे बच्चे को होश आ गया। मैं अपने मोहसिन मेहरबान मेजबान का नाम पूछ सकती हूँ? मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मदद करने का मौका नसीब हो गया। मुझे रूपनगर का राजा कहते हैं। मैं सानिया सुलेमान हूँ, मैजिस्ट्रेट सुलेमान की बीवी। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मजिस्ट्रेट साहब, राजा साहब वहां हैं। जी मैं मजिस्ट्रेट सलमान हूं। ओ मिस्टर सुलेमान, आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं आपके महल गया तो याकूब ने बताया कि आप यहां हैं। हाँ, ये जगह मैंने कुछ महीने पहले ही खरीदी है। मैं तो नहीं मानता मगर सुना है कि यहां किसी ने नौजायदा बच्चे को जिंदा दफन किया है। कहां खो गए आप? राजा साहब, आप जिस मोहब्बत से मेरी बीवी के साथ पेश आए, मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं।
आपका शुक्रिया अदा करके मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं। इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक बेटे की जान बचाकर मैंने एक मां की ममता को राहत पहुंचाई है। इस दुनिया में मां की ममता का जज्बा ही तो है जो सबसे बुलंद, कीमती और मुकद्दस है। वाह राजा साहब वाह, बात को क्या फलसफियाना मोड़ दे दिया आपने। आजकल ये अंदाजे गुफ्तगू कहां? आज की बात कर रहे हैं, आजकल कुछ भी नहीं। आदमी है मगर रूह नहीं, बात है मगर असर नहीं, अदालत है मगर इंसाफ नहीं। क्या कहा आपने? हाँ, अदालत है मगर इंसाफ नहीं। आप ही बताएं, आप इतने अरसे से इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, इंसाफ और कानून के बारे में क्या जानते हैं आप? बहुत कुछ जानता हूँ, वो सब कुछ जो आज अदालत की कुर्सी पर बैठने वाले नहीं जानते। ये सब कुछ कहां से सीखा आपने? आज और कल के कानून की किताबें पढ़कर और एक आसमानी फरिश्ते की रहनुमाई से, जिसने मुझे नेकी और बदी के अंदाज जानने की ताकत बख्शी। राजा साहब मैं कुछ समझा नहीं। बहुत पुरानी बात है, एक फरिश्ता मेरा हाथ पकड़कर दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ पर ले गया, जहां से पूरी दुनिया के लोग दिखाई दे रहे थे। उनके अंदर छुपी नेकी और बदी मेरे सामने तस्वीरों की तरह चल रही थी। मैंने फरिश्ते को कहा, अब इंसाफ का तराजू मेरे हाथ में दे दो, अब नेक आदमी की नेकी का बदला और बुरे आदमी को बुराई की सजा मैं खुद दूंगा। और आजकल मैं ये काम सरंजाम दे रहा हूं। शुक्रिया लैला, ये कराची है। तुमने जो अरसा उन जालिमों के साथ गुजारा उसे गुजरे हुए जमाना हो गया है, अब तुम आजाद हो, एक आजाद पंछी की तरह। आजादी? कैसी आजादी? इतना अरसा उनकी कैद में रहकर मैं तो आजादी का मतलब ही भूल चुकी हूं। ये आजादी अब मेरे किस काम की? तुम जहां चाहो जाओ, जिसे चाहो मिलो। ये कभी नहीं हो सकता, मुझे किसी मर्द से मिलने की आरजू नहीं। आपको देखती हूं तो मेरी आंखों में चमक आती है, कभी यह चमक मेरी आंखों में अपने बाबा को देखकर आती थी। तुम्हें अपने बाबा की याद आती है कभी? वो मुझसे जुदा ही कब हुए हैं, वो हमेशा मेरे पास हैं, यहाँ और यहाँ। और मैं कहाँ हूँ? आप हर जगह हैं। देखो लैला, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप एक गहरे राज से बंधे हुए हो। तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ कहाँ है, भूल के भी किसी से जिक्र ना करना। इस राज से पर्दा उठने का वक्त कभी आएगा, लेकिन अभी नहीं। इस राज से सिर्फ एक आदमी वाकिफ है, वो आप है। रहती है हाँ, बेताबी बेचैनी सी रहती है, हर घड़ी दिल की धड़कन कहती है, अपना दिल तो मुझे दे दो ना, अपना दिल तो मुझे दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। बेताबी बेचैनी सी रहती है, हर घड़ी दिल की धड़कन कहती है, अपना दिल तो मुझे दे दो ना, अपना दिल तो मुझे दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना।
जहां है मेरी दुनिया तू मेरा जहां है। पलकों में छुपाऊंगा इसे मैं, अपना दिल बनाऊंगा इसे मैं। अपना दिल तो मुझे दे दो ना, अपना दिल तो मुझे दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। आदिल बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। दवाई के चंद कतरों ने अपना असर दिखा दिया है। वाकई राजा साहब, बस जादू ही हो गया है। और ये सारा है मेरी सौतेली बेटी सारा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे दादा अबू की दवाई का वक्त हो गया है, उन्हें खिला दो। जी अम्मी। आप शायद वाकिफ तो नहीं है, मेरे ससुर अब्दुल हमीद कातिब शदीद बीमार है, बस आज गए कल गए। जाने वाले को कौन रोक सकता है, हर आदमी को कभी ना कभी तो जाना ही है। आदिल तुम बहुत शरारती हो गए हो। कम ऑन गो इनसाइड, अंदर जाओ, अंदर जाके खेलो, मुझे राजा साहब से कुछ बातें करनी है। शाबाश। राजा साहब आखिर वो क्या दवाई थी जिसके चंद कतरों से आदिल बिल्कुल ठीक हो गया? मिसेस सुलेमान, ये दवाई जिंदगी और मौत दोनों के असरात रखती है। क्या मतलब? इस दवाई का एक कतरा जाती हुई जिंदगी को वापस ले आता है और इसके 5-6 कतरे जिंदगी को खत्म करने के लिए काफी है। जूस के गिलास में अगर ये दवाई डाल दी जाए तो जूस का मजा तो वैसा ही रहता है, मगर पीने वाले की जिंदगी मौत की गोद में जाकर सो जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये दवाई बाजार या मेडिकल स्टोर्स में नहीं मिलती, वरना तो हर कोई एक दूसरे की जान ले ले। किसी के खून से हाथ रंगने, किसी के पेट में चाकू मारने से तो बेहतर है कि आदमी इस दवाई के जरिए अपने दुश्मन, अपने रास्ते की हर रुकावट को चुपके से मौत के मुंह में धकेल दे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और ना ही किसी को कातिल पर शक हो। मगर राजा साहब आदमी जमीर का क्या करे? इजाजत चाहता हूं। राजा साहब आपका अपना घर है, आते रहिएगा। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सफर का आगाज बुरा नहीं है। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बीज मैंने फेंके हैं वो बीज बंजर जमीन पर नहीं फेंके, फसल जरूर उगेगी। अब्बा को गुजरे कितना वक्त हो गया पता भी नहीं चला। आपके वालिद बहुत खुशकिस्मत आदमी थे, क्यों ना सर? यकीनन, लेकिन हमारा खानदान और बहुत सी चीजों में बदकिस्मत भी माना जाता है। कितने सदमे, कितनी मुसीबतें हमने झेली, दुनिया में और किसी के हिस्से में नहीं आई होंगी। अल्लाह ताला ने इन मुसीबतों का खात्मा करके इन जख्मों पर मरहम भी तो लगा दी। बेशक बेशक, अल्लाह ताला ने हम पर बहुत करम किया, बहुत बरकतें डाली, और ये सब कुछ उसने अपने एक फरिश्ते नुमा इंसान से करवाया। हम पर वो किया जो अपने प्यारों से करता है। ये मखमली थैली बहुत ही अनोखी और खास दिखाई देती है। यकीनन राजा साहब, इस पर्स को उस आदमी के हाथों ने छुआ है, उस पर अब भी उसकी उंगलियों के निशान मौजूद हैं जिसने हमारे वालिद को तबाही और हमारे खानदान की इज्जत और वकार को बदनामी से बचाया है। लेकिन अफसोस है, उस फरिश्ते नुमा इंसान के हाथ चूमने की हसरत पूरी नहीं हुई। अजीब बात है नासिर, जिस आदमी ने तुम्हारे बाप पर इतना बड़ा एहसान किया उसे तुम जानते तक नहीं। हाँ, लेकिन जो बात मेरे वालिद कहा करते थे वो बात मुझे अक्सर याद आती है। क्या कहते थे तुम्हारे वालिद? मेरे वालिद कहते थे, ये मौजा अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, हमारे खानदान पर एहसान करने वाला कब्र से उठ के आया था। मुझे याद है मरते वक्त मेरे वालिद ने मुझे कहा था, नासिर मुसीबत में हमारे काम आने वाला माजिद अब्दुल्ला था। माफ कर दो नासिर, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए जाना है। कुछ देर और बैठ जाते। नहीं, मुझे जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, आज के सारे शेयर्स की एंट्री में कर चुका हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, कल देख लेते हैं। या थैंक यू वेरी मच। सॉरी राजा साहब। कमाल है, ऊपर वो लोगों की किस्मत लिखता है और कंप्यूटर पर तुम नफा नुकसान की तफसील लोगों तक पहुंचाकर उन्हें आबाद और बर्बाद करते हो। देखो ना, पीएससी के शेयर का मुनाफा जब उसके शेयर होल्डर को पता चलेगा तो बहुत खुश होगा, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? वही तनख्वाह जो हर महीने मिलती है और महीने के पहले ही हफ्ते खत्म हो जाती है। राजा साहब, अपने अपने मुकद्दर की बात है। हर बात मुकद्दर पर मत छोड़ो, आदमी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। पूरे $100,000। ये मेरे हैं, लेकिन एक पल में तुम्हारे हो सकते हैं। ये कैसे मेरे हो सकते हैं? मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, पीएससी के शेयर्स के रेट गिरा दो। राजा साहब, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ऐसा करने से किसी एक आदमी का नुकसान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की मदद होगी। ये मेरा एड्रेस है, यहां भिजवा दीजिएगा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। बीवी के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं? जी नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई। तो वो खूबसूरत नौजवान बुशीजा कौन है जिसके साथ आप अक्सर देखे जाते हैं? वो एक मरहूम ताजर की बेटी है जिसे मैंने अडॉप्ट कर लिया है। तो क्या अब तक अकेले रहते हैं आप? जी हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। जिंदगी के इस लंबे सफर में
बगैर साथी के कैसे गुजारा करते हैं? जिसे साथी बनाना चाहा था वो साथी बन न सका। मेरे दिल ने एक साथी चुना था, मैं शादी करने वाला था कि आला तालीम के लिए बाहर चला गया। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे दिल और जान से मोहब्बत करती थी, आखिरी दम तक मेरा इंतजार करेगी, लेकिन जब मैं तालीम हासिल करके वापस आया तो उसने शादी कर ली थी। तो क्या इस बेवफाई के बदले आपने उसे माफ कर दिया? हाँ, मेरे दिल ने उसे माफ कर दिया। वाह मालिक, आपका सर बहुत शदीद था, वो देखें बाल का रंग भी उतर गया। मिस्टर मुबारक, ऐसा मैं आपके सामने अपनी नाकामियों का रोना रोने आया हूं राजा साहब। हर तरफ मायूसी है, नाकामी ही नाकामी है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। क्या फिर एक बार शेरजाद को ले डूबे? नहीं, कुछ कुछ बचत हुई है, लेकिन एक कंपनी के शेयर्स ने तो मेरी कमर तोड़ दी। कहीं आप पीएससी कंपनी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल, यही कंपनी है। इसका मतलब है कि आपका 50 करोड़ डूब गया। हाँ, डूब गए पूरे 50 करोड़ रुपए, ना एक पैसा कम ना ज्यादा। तीसरे दर्जे के बिजनेसमैन के साथ ऐसा ही होता है। मैं आपको मतलब नहीं समझा। मैंने बिजनेस करने वालों को 3 दर्जों में तकसीम कर दिया है। पहला दर्जा मैं उन्हें देता हूं जो साहिब जायदाद हो, जमीन हो, बेशुमार असासे हो और उनकी हैसियत 1000 करोड़ की हो। दूसरे दर्जे में उनका शुमार होता है जिन्होंने दौलत तिजारत और सनत से कमाई हो और उनकी हैसियत 500 करोड़ की हो। तीसरी और थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी दौलत का ग्राफ पल में ऊपर और पल में नीचे जाए, दूसरों की दौलत पर उनकी नजर हो, हर पल बैंक करप्सी का धड़का लगा हो, स्टॉक मार्केट का एक पैगाम दिल की धड़कन बंद कर दे, उनकी औकात 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। आप शायद किसी थर्ड कैटेगरी में आते हैं। एक बात और, शायद 2-3 महीने बाद आपकी ये खुशकिस्मती का मीनार जमीन पर धड़ाम से गिरने वाला है। सर, क्या छपाइए? क्या बात है, सब खैरियत तो है? बैठो तो सही, व्हाट्स रॉन्ग? अगर तुम्हारे अखबार में छपी कार्रवाई से मेरे खानदान के एक फर्ता वकार मजरूह हो रहा है, तुम्हें पता ही है। कैसी कार्रवाई यार? अली सुल्तान के कत्ल और उसकी बेटी और बीवी को फरोख्त करने के बारे में कार्रवाई से। अली सुल्तान का तुम्हारे खानदान के फर्ज से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है नहीं, बना दिया गया बस। किससे? मेरे वालिद जाबिर से। जाबिर अंकल, अब तुम्हारी परेशानी समझ में आई? बदर, मैं नहीं जानता यार, तुम कल इस खबर की तर्दी छापो कि मेरे वालिद का इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। यार, that's not an easy job. क्या मतलब it's not that easy? तुम्हारा क्या फायदा हुआ फिर? Okay, give me some time. मुझे अपने एडिटर से बात करने दो। सच और झूठ जाने बगैर हम कोई भी तर्दी इस तरह नहीं छाप सकते। बस कर यार। आपके अपने बैंक के जिम्मे मेरे 100 करोड़ थे, जिसमें से 50 करोड़ मैंने निकाल लिए। मुझे 50 करोड़ चाहिए अभी इसी वक्त। क्या 50 करोड़ अभी चाहिए? देखिए राय साहब, यह आज मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आज मुझे एक हॉस्पिटल को बड़ी जरूरी पेमेंट करनी है।
लिहाजा मैं कल। मिस्टर मुबारक, ये आपका जाती मामला है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपने मसले खुद हल कीजिए। मुझे 50 करोड़ चाहिए ताकि मैं ये कह सकूं कि अपने बैंक ने 1 मिनट के अंदर 50 करोड़ की पेमेंट कर दी। इससे आपकी साख बहुत मजबूत होगी। बात है, आप भी कीजिए ना। मैं शिकार पर सीधा वार नहीं करता हूं, उसे घेर कर मारता हूं। ठीक है, मैं आता हूं। आपकी तमाम इनायात और मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया राजा साहब। मैं कराची जा रहा हूँ। अचानक कराची? खैरियत? खैरियत नहीं है, मेरी अम्मी की तबीयत सख्त खराब है। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेचारा सैफ, सच कहा था किसी ने कि बाप के बुरे आमाल की सजा नस्ल दर नस्ल उसकी औलाद को भुगतना पड़ेगी। मिस्टर जाबिर, अगर आपको इस केस की तैयारी में वक्त की जरूरत है तो ये अदालत आपको वक्त दे सकती है। नहीं योर ऑनर, वक्त झूठा केस बनाने के लिए दरकार होता है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं सच्चा हूं। मेरी ख्वाहिश है कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द हो जाए। इसका मतलब है कि आप अदालत के सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। क्या ये सच है कि आप अली सुल्तान रईस के यहाँ एक अन्ना मुलाजिम थे? जी। क्या ये भी सच है कि आपने अपने आका अली सुल्तान का कत्ल किया और उसकी दौलत पर कब्जा करके आप अमीर बन बैठे? ये सरासर झूठ है। आपने अली सुल्तान की बेटी और बीवी को रेगिस्तान में कैद किया, मौका पाकर उसकी बेटी को मल्लाहों के हाथ फरोख्त किया। क्या ये भी झूठ है? झूठ, सरासर झूठ। ये झूठी कहानी है जो मुझे बदनाम करने के लिए घड़ी गई है। अब अदालत में एक ऐसा गवाह पेश किया जा रहा है जिसको देखकर शायद आपको कोई पुरानी कहानी याद आ जाए। गवाह को पेश किया जाए? मिस्टर जाबिर, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं रॉनर, मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूं। लेकिन मैं इसे पहचानती हूं। ये वही शख्स है जिसने बेदर्दी से मेरे बाबा अली सुल्तान को कत्ल किया था। मुझे और मेरी मां को रेगिस्तान में कैद रखा था। मां मर गई तो मुझे मछेरों के हाथ फरोख्त कर दिया। उन जालमों से मुझे राजा रूपनगर ने रिहाई दिलाई। योर ऑनर, अच्छी दर्दनाक कहानी है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है? क्या यह मुमकिन है कि उस उम्र में होने वाला वाकया आपके जहन में अब तक महफूज हो? बच्चा हर बात भूल सकता है लेकिन अपने बाप के कातिल को फरामोश नहीं कर सकता। ये कातिल है योर ऑनर, इसे सजा दी जाए। ये शख्स बड़ी से बड़ी सजा का मुस्तहिक है।
यह अदालत कल तक मुलतवी की जाती है। कल पेश होने वाले गवाहों के बाद यह अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये तो है। खैरियत, जिस बेटे के बाप को अदालत में खड़ा करके बेइज्जत करा दिया तुमने, उसी से खैरियत पूछ रहे हो? तुम लैला के सरपरस्त हो, खैरख्वाह तुम उसके, और लैला ने सब कुछ तुम्हारी शह पर किया है, और आज मैं तुमसे अपने बाप की उस बेइज्जती का हिसाब चुकाने आया हूँ। तो तुम मुझसे लड़ने आए हो? मेरी एक नसीहत, एक मशवरा हमेशा याद रखना, कभी फरामोश ना करना। लड़ाई में बुजदिली को कभी करीब ना आने देना। तुम्हारी इस हिमाकत का जवाब मैं पिस्तौल की गोली से दे सकता हूं, लेकिन घर आने वाले मेहमान से मैं बदसलूकी नहीं करता। अगर हिम्मत है तो कल सुबह 10 बजे बंजर पहाड़ पर मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, आऊंगा मैं। आप सैफ के साथ क्या सलूक करेंगे? उसने मुझे ललकारा है, उसकी बदतमीजी के लिए उसे सख्त सजा दूंगा। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। आप कौन है खातून? तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे माजिद। आपने मुझे किस नाम से पुकारा मिसेस जावर? वही जो तुम्हारा असल नाम है, जिसे मैं आज तक नहीं भूली। एक बात और, तुम्हारे सामने मिसेस जावर नहीं, फातिमा खड़ी है। फातिमा मेरे लिए मर चुकी है, अब मैं इस नाम की किसी खातून को नहीं जानता। लेकिन फातिमा जिंदा है और तुम्हें पहचानती है। उसने पहले ही दिन तुम्हारी आवाज से जान लिया था कि तुम माजिद हो। मैं यहां सिर्फ यह मालूम करने आई हूं कि जाबिर के साथ इस अदालती कार्रवाई का मकसद। अदालत के कटहरे में जाबिर को मैं नहीं, कुदरत खींच कर लाई है उसे उस दिन की सजा के लिए जो उसने किया है। कुदरत को दरमियान ना लाओ। अगर जाबिर ने अली सुल्तान से गद्दारी की है तो तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा है? यह झगड़ा अली सुल्तान की बेटी और जाबिर के दरमियान है। तुमने ठीक कहा, मेरा इससे क्या ताल्लुक? मेरा इंतकाम उससे नहीं जो इस शहर का मुअज्जिज ताजर बनकर बैठा है। मैं उससे इंतकाम ले रहा हूं जो कभी मामूली मचेरा था और अब फातिमा का खामिद है। अगर तुम्हें इंतकाम लेना है तो मुझसे लो, फातिमा से, जिसमें तुम्हारी जुदाई और अपनी तनहाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत ना थी। कितने अरमान और कितने ख्वाब लेकर समंदरी सफर से घर लौटा। जिस दिन मेरे ख्वाब पूरे होने के दिन आए, सेहरा बांधने की घड़ी आई, मैं गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया। यह साजिश मुबारक और जाबर ने तैयार की। मुबारक ने मेरे खिलाफ खत लिखा और जाबर ने वो खत कानून तक पहुंचाया। मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल की एक तंग कोठरी में गुजारे। 14 साल मैंने आंसू बहाए, एक एक घड़ी कयामत की तरह काटी। हर घड़ी रूह पर एक जख्म बनकर गुजरी। अब मैं इन 14 सालों का इंतकाम लेने आया हूं। तुम्हारी जुदाई में मैं भी जली हूं। पहले तुम्हें जिंदा समझकर आंसू बहाती रही, फिर तुम्हें मुर्दा समझकर खून के आंसू रोती रही। तुम्हें अपना दुख याद है? काश तुम मेरा दुख भी जान सकते। क्या तुम्हें उस आदमी के दुख का अंदाजा है जिसका बाप मर जाए और वो उसे कब्र में न उतार सके? क्या तुम उस मोहब्बत करने वाले का दुख समझती हो जो जेल के तहखाने में आंसू बहा रहा हो और उसकी महबूबा किसी गैर की दुल्हन बना दी जाए? और आज वही मोहब्बत करने वाला मेरे सामने खड़ा है जो मेरे बेटे को मारने पर तुला है।
अगर तुम यहां सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी मांगने आई हो तो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। शुक्रिया माजिद, शुक्रिया। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, तुम आज भी वैसे हो जैसे कल थे, वही माजिद जिसे मैंने चाहा था, प्यार किया था। तुमने मेरे बेटे को माफ कर दिया माजिद, क्या अब तुम उसे मुकाबले के लिए नहीं ललकारोगे? क्या अब उसका खून इस धरती पर नहीं टपकेगा? हाँ, अब मुकाबला नहीं होगा, अब इस धरती पर तुम्हारे बेटे का खून नहीं, मेरा खून टपकेगा। मैंने सीना तान के आपका रास्ता इसलिए रोका था कि आपने मेरे बाप की तौहीन की थी, आपने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। एक बेटा होने के नाते मैंने इसे गलत जाना और आपको ललकारा, लेकिन जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैंने जाना कि आपने जो किया बिल्कुल ठीक था। अब अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐ औरत, तू कैसी तख्लीककार है। आइए जाबिर साहब, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मुझे तुमसे शदीद नफरत है। जब भी तुम्हें देखा यह नफरत शदीद से शदीद तर होती चली गई। दुश्मन हो तुम मेरे। मेरा जवान बेटा तुमसे माफी मांग के चला गया, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, मुकाबला भी शुरू हुआ है तुम्हारे और मेरे दरमियान। मुझे किसी चश्मदीद गवाह की जरूरत नहीं है जो तुम्हें मरता देख सके। चलो शुरू करो। गवाह की जरूरत भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद हमें एक दूसरे की पहचान नहीं है। मैं तुम्हें पहचान करा देता हूं। क्या तुम वो एहसान फरम हो जाबर नहीं, जिसने अपने आका अपने मोहसिन अली सुल्तान से गद्दारी की, उसे कत्ल किया, उसकी बीवी और बेटे को मारने की नाकाम कोशिश की? क्या तुम वही जाबिर नहीं हो जो अपने आका की दौलत पर नाजायज कब्जा करके सेठ जाबिर बन बैठा? मैं जानता हूं बदबख्त आदमी कि तुमने मेरी माजी के अंधेरों से मेरी जिंदगी की किताब निकाल कर उसका एक एक वर्क पढ़ लिया है। मैं भी तुम्हें जानता हूं। महाराजा बनकर तुम कराची आए हो, पहाड़ी इलाके में डेरा डालते हो तो तुम्हारा नाम कुछ और होता है। तुम्हारे 100 रूप और सैकड़ों नाम है। इससे पहले कि मैं मौत बनकर तुम पर झपटूं, मैं तुम्हारा असली नाम जानना चाहता हूं।
अपने 100 करोड़ नामों में से मैं तुम्हें सिर्फ एक नाम बताना चाहता हूं जाबर, जिसे तुम सुन के कप कपाने लगोगे। आओ तुम्हें अपना वो चेहरा दिखाऊं जिसे इंतकाम और बदले की आग ने दोबारा जवान कर दिया। ये वो चेहरा है जिसने उस दिन से तुम्हारे ख्वाबों में आकर तुम्हारी नींदें हराम कर दी हैं, जिस दिन से तुमने मेरी मंगेतर फातिमा से शादी की है। घर से अब हमारा कोई वास्ता नहीं, अब यह हमारा घर नहीं है। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब ने आपके लिए खत भेजा है। सैफ बेटा, मेरी मोहब्बत की कहानी 22 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैंने एक लड़की से प्यार किया था। वो मेरी मंगेतर भी थी। जब मैं समुद्री सफर से वापस लौटा तो मेरे खून पसीने से कमाए हुए 25,000 रुपए मेरे पास थे, जो मैंने अपने बाप के घर में एक दरख्त के पास जमीन खोद कर छुपा दिए थे ताकि शादी के बाद मेरी बीवी के काम आ सके। वो रकम अब भी वहाँ मौजूद है। जिस मकसद के लिए वो रकम छुपा कर रखी थी, शायद अब वो मकसद पूरा हो सके। शुक्रिया माजिद। आओ बेटा, खैरियत तो है? अरे तुम्हें तो बुखार है बेटा। नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। सानिया, सानिया डॉक्टर को बुलाओ। अरे बेटा उठो, कोई है? राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, क्या हुआ नासिर? चेहरा जर्द, हाल परेशान, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है राजा साहब, मैं आपको यही बताने आया हूँ। मैजिस्ट्रेट सुलेमान साहब के घर मौत 2 बार दबे पांव दाखिल हुई है और कयामत बरपा कर गई है। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है। यकीनन राजा साहब, डॉक्टरों का कहना है कि मौत दोनों दफा बीमारी की वजह से नहीं हुई। तो फिर और क्या वजह है? जहर, मौत जहर की वजह से हुई है। बारी बारी सब पानी के बुलबुलों की तरह हवा में तहलील हो जाएंगे। जिस तरह आदमी की सांस से दिया बुझता है, उसी तरह उनकी जिंदगी का चिराग गुल होगा। क्या मरने वालों में बूढ़ा अब्दुल हमीद और लड़की सारा शामिल है? आपको सब पता है राजा साहब, और फिर भी सारा मेरी मोहब्बत है राजा साहब। क्या तुम सारा से मोहब्बत करते हो? सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूं उससे। वो मेरा प्यार है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। खुदा के बाद अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप है राजा साहब। तो तुम उस बदनाम खानदान की लड़की से इश्क करते हो? उठो, मर्द बनो, संभालो अपने आप को, हौसला रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। शुक्रिया।
डरो नहीं, आवाज ना निकालना, चुप रहो। तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वो तुम्हारा सबसे हमदर्द दोस्त और मेहरबान है, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ना हो। इस आदमी में बाप की तमाम मोहब्बत और शफकत भरी हुई है। मैं मुसलसल तुम्हारी निगहदाश्त और हिफाजत कर रहा हूं। हाँ, वो तुम्हें अपनी जिंदगी समझता है और मैं उससे उसकी जिंदगी बचाने का वादा कर चुका हूँ। तो क्या आप डॉक्टर हैं राजा साहब? फिलहाल तुम यही समझ लो, जब मैं जेल में था तो मेरे हाथ एक ऐसी दवाई लगी जिसे पीने से आदमी की मौत नहीं होती, लेकिन कुछ मुद्दत के लिए जिंदगी चलते चलते अपने कदम रोक लेती है। क्या? मैं जो बातें कर रहा हूँ इसकी तरफ ध्यान न दो, चुपचाप ये दवा पी लो। शायद कोई आ रहा है, अब मैं जल्दी से लेट जाओ। इसे यकीन होना चाहिए कि तुम एक गहरी नींद सो रही हो या मर गई हो। सारा, 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 पहचान लिया आपने सानिया को? जी राजा साहब, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने तो आज तक उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारा जिंदा रहना उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है, तुम्हारी मौत ही उसके बेटे को मालो दौलत दिला सकती है। तो फिर मैं क्या करूं? आंखें बंद करके ये दवा पी लो। जो भी होगा डरना नहीं, शायद तुम्हें सुनाई ना दे या दिखाई ना दे, जहन सुन हो जाए, मदहोशी छा जाए, घबराना नहीं। तुम्हें नासिर के लिए बर्दाश्त करना होगा और फिर तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हूं। आप फिक्र ना करें राजा साहब, जैसा आप बता रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, और वैसे भी मैं नासिर की मोहब्बत के लिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। सुलेमान साहब, चारा, मेरी बेटी मुझे छोड़कर चले गई। औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, उसी की दी हुई चीज है, उसने अपने पास बुला लिया, जरा सब्र से काम लीजिए। ये क्या कर रहे हो नासिर? मैं एक लंबे सफर पर जाने की तैयारी कर रहा हूं। यह तुम्हारा जज्बाती फैसला है नासिर, जल्दी के फैसले अच्छे नहीं होते। मैंने इरादा कर लिया है, मेरा दिल टूट चुका है, जिंदगी बोझ बन गई है मेरे लिए, तमाम उम्मीदें टूट चुकी हैं। ऐसी हालत में अगर मैं इस पिस्तौल का रुख अपनी तरफ करके गोली चला दूं तो कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। आप जिससे हर चीज जाने का दावा है, लेकिन आप उस जहर का इलाज तलाश नहीं कर सके जो सारा को मौत के करीब ले गया। इसके बावजूद तुम आज खुदकुशी नहीं करोगे, ये हुक्म देने वाले आप कौन होते हैं? मैं कौन? इस दुनिया में यह कहने का हक सिर्फ मुझे हासिल है कि हाजी अब्दुल रहीम का बेटा आज जान नहीं देगा। मेरे बाप का जिक्र करके गुजरे कल की यादों को आज के वाकयात से रिश्ता क्यों जोड़ते हैं आप? और ऐसा करने वाले आप कौन होते हैं? मैं वो हूं जिसने तुम्हारे बाप की जान उस वक्त बचाई जब वो जान देने के लिए तैयार था। मैं वो हूँ जिसने दौलत से भरा बैग तुम्हारी बहन को भेजा और तुम्हारे बाप का गुमशुदा जहाज उसे वापस भेजा। मैं वो माजिद अब्दुल्ला हूँ जिसने तुम्हें गोद में खिलाया जब तुम छोटे से थे। आप
माजिद, आपने अपनी आजादी खो दी, मेरे वालिद ने अपनी दौलत, और मैं सारा को खो चुका हूं। अब मेरी बात गौर से सुनो, मुझे एक महीना दे दो। एक महीना? किस लिए? तुम्हें तुम्हारा वो जहान वापस दिलाने के लिए, जिसमें सब कुछ वही होगा जो था। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो पिस्तौल और जहर का प्याला तुम्हारे सामने रख दूंगा, रोकूंगा नहीं, जो जी में आए करना। वादा? वादा। ए मामू, बीड़ी देना। कैसे हो अदनान? कैसा लगता हूं? खाना टाइम से मिल जाता है, सोने के लिए जगह नहीं ढूंढनी पड़ती, फर्स्ट क्लास। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी भलाई। प्रॉपर्टी की दलाली करते करते भलाई कब से करने लगे? और तुम्हें पहले भी कहा है कि ये भलाई, अच्छाई, इंसानियत, ये सब बातें मुझसे मत किया करो, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तुम्हें रिहाई दिलाना चाहता हूं, तुम्हारी झोली में इतनी दौलत भर देना चाहता हूं तुम जिंदगी भर खुश रहो। लॉटरी निकली का मामू, कहां से लाई इतनी दौलत? तुम्हारे बाप से। क्या मतलब? तुम्हारा बाप एक इज्जतदार और दौलतमंद आदमी है। कौन है मेरा बाप? शानिया। हाँ? जरा मेरे कार का बटन तो बंद कर दो। लाओ। वो जहर कहाँ छुपाया तुमने? जहर? इस जहर की बात कर रहे हो? मैं उस जहर के बारे में पूछ रहा हूं जिसे तुमने सारा की जिंदगी छीनी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसकी मौत जहर देने से हुई है। और वो जहर तुमने कहां छुपा रखा है जो गुज़श्ता कई सालों से तुम मुझे दे रहे हो, और मैं सिर्फ अपने बेटे आदिल की खातिर चुपचाप पी रही हूं। बकवास बंद करो। काश, काश मैं आदिल के पैदा होने से पहले ही मर जाती। काश उसे जन्म देने से पहले ही तुम मुझे मार देते। आदिल को भी जहर देके मार दो जिस तरह तुमने सारा को कत्ल किया है। सारा को मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कि मेरे आदिल के रास्ते की रुकावट हट गई और मुझे उस जुल्म का बदला मिल गया जो आज तक तुम मेरे साथ करते आए हो। मजिस्ट्रेट सुलेमान की बेटी का कत्ल हुआ है और मैं कत्ल को सजा दे के छोड़ूंगा। मेरी उम्र कुछ 21 के आसपास होगी। हाँ, 1984 की 27 सितंबर को मैं पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुए थे तुम? हवा महल के इलाके में। तुम्हारा जरिया मुआश क्या है? पहले तो मैं छोटी मोटी हेरा फेरी किया करता था, उसके बाद चोरी शुरू कर दी, आजकल हमारा पेशा कत्लो गारत। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम तो मुझे याद नहीं, इसलिए बता नहीं सकता। अलबत्ता अपने बाप का नाम पता है। आप कहें तो वो बता दूं। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? मेरा बाप मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट? जी, मजिस्ट्रेट। उसका नाम जानना चाहते हैं तो वो भी बता सकता हूं। उसका नाम सुलेमान है। सुलेमान? देखिए, ना तो मैं अदालत की तोहीन करना चाहता हूं और ना ही किसी को बदनाम करने का मेरा मकसद है, लेकिन मेरा बाप मजिस्ट्रेट है और इसका मेरे पास सबूत भी है। और तुम्हारी मां? उसने मुझे पैदा किया, मुझे मुर्दा समझा, वो कसूरवार नहीं। अदालत लच्छेदार गुफ्तगू नहीं, सबूत मांगती है। सबूत चाहिए आपको?
हाँ सबूत चाहिए। तो फिर अपने पास बैठे मजिस्ट्रेट सुलमान पर एक नजर डालिए। सुन लिया बाप, सबूत मांग रहे हैं, तुम कहो तो सबूत दे दूं? नहीं नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि मुझ पर सच का बोझ इतना ज्यादा है कि आज ऊपर वाले की जात मुझसे सच कहलवाना चाहती है। इस शख्स की सारी बातें सच्ची और सही हैं, और ये सच है कि ये नौजवान वाकई मेरा बेटा है। अब मजिस्ट्रेट सुलेमान की बजाय कोई दूसरा मजिस्ट्रेट इस मुकदमे का फैसला सुनाने में हमारा साथ देगा। अदालत की कार्रवाई अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। असल मुजरिम मैं हूं, मेरी फितरत ने मुजरिम छुपा हुआ है। मेरी सोबत ने मेरी बीवी को भी मुजरिम बना दिया, वो बेगुनाह है। असल गुनाहगार मैं हूं, उसे मरना नहीं चाहिए, वो जिंदा रहेगी। मैं उसे लेकर दुनिया की किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां जहां कोई ना पहुंच सके। सानिया, 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 कहां हो तुम? सानिया, 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 तू क्यों बोलती क्यों नहीं? सब कुछ खत्म हो गया है सलमान। नहीं, सब कुछ लूट गया है। नहीं सानिया, अब क्यों आए हो तुम? नहीं नहीं, सानिया, 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 क्या हो गया तुम्हें आदिल? सुलेमान, कौन 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 हो तुम? बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? मैं आसमान से सिर्फ ये बताने आया हूं कि तुमने अपने किए की बहुत सजा पा ली है। जो बोया था उसकी फसल काट ली है। अब मैं खुदा से यह दुआ करता हूं कि तुम्हें माफ फरमाए। तुम फरिश्ते नहीं हो सकते, ये फरिश्ते की आवाज नहीं है। बिल्कुल नहीं, राजा साहब आप। मजिस्ट्रेट सुलेमान, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। जरा माजी में जाकर इस आवाज को पहचानो। ये आवाज, हाँ ये आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। पहली बार ये आवाज तुमने 22 साल पहले सुनी थी। ना तुम कोई फरिश्ते हो और ना ही राजा साहब, तुम जरूर कोई मेरे पुराने दुश्मन हो। तुमने मुझे एक अजियतनाक मौत देना चाहिए। तुमने मुझसे मेरी आजादी छीनी, तुमने मेरी मोहब्बत और खुशियां छीनी, तुमने मेरे बाप को मौत बख्शी। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम, मैं माजिद अब्दुल्ला हूं, जिसे तुमने तारीख और अंधे तहखाने में धकेल दिया था। माजिद अब्दुल्ला, आओ
ये देखो, ये देखो, अब भी तुम्हारे इंतकाम की आग नहीं बुझी, अब भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ। देखो माजिद अब्दुल्ला, देखो सुलेमान। चुप, चुप। आदिल सो रहा है, आदिल सो रहा है, चुप चुप चुप, आदिल सो रहा है, चुप 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 चुप, बोलना नहीं है, बोल, आदिल सो रहा है, जाओ जाओ जाओ, जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ, आदिल उठेगा ना, उसको बहुत चीजें लेके दूँगा, आदिल, आदिल सो रहा है, आदिल, आदिल सो रहा है, आदिल आदिल सो रहा है, सो जा सो जा, सो जा। ओह कराची, ओह शहर अजीम, 6 माह पहले मैंने तेरी मिट्टी पे कदम रखा था, मुझे यकीन है कि अल्लाह ने मेरे कदम इस तरफ मोड़े थे और आज मैं कामयाब वापस जा रहा हूँ। उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। मैं वापस जा रहा हूं और मेरा दिल गुरूर और नफरत से पाक है। ओह कराची, ओह शहरों की मां, मैंने तेरे धड़कते सीने से जो चाहा हासिल कर लिया, उन बुराइयों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया जो तेरे अंदर सांस ले रही थी। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर जा रहा हूं। मैं जो काम करने आया था वो पूरा हो गया। अब तेरे दुख सुख से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अलविदा ए शहर अदीम, अलविदा कराची, अलविदा, अलविदा। सैफ तो नहीं? हाँ सैफ ही होगा। आपको कैसे पता चला? आपकी नजर तो कहीं और थी। डॉक्टर साहब, मैं अपने वालिद मरहूम की कब्र पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम वहां चलो, मैं पहुंचता हूँ। ओके। तुम्हारी नफरत के काबिल हूं, तुम मुझे जितना चाहे बुरा कहो। नफरत? कैसी नफरत? जिसने मेरे बेटे को जिंदगी दी, जान बचाई, उससे मैं कैसे नफरत कर सकती हूं? नफरत के काबिल तुम नहीं, मैं हूं। नफरत है मुझे अपने आप से। इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। मुझे हाथ मत लगाओ माजिद, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं। तुमने सबसे बदला लिया, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे माजिद, क्यों? नहीं फातिमा, नहीं,
ऐसा ना कहो, उन लोगों के साथ अपने आप को शामिल ना करो। तुम बहुत मासूम हो, तुम्हारी इस मासूमियत ने तो मुझे कभी कभी कमजोर बनाया है। मैं कैदी था, तन्हाई मेरा मुकद्दर थी, मगर अल्लाह ने मुझे आजादी दी, बेशुमार दौलत दी, लेकिन मुझे चैन का एक पल भी नसीब नहीं हुआ। फिर मैं इंतकाम के रास्ते पर चल निकला, अपने बाजुओं को मारना सिखाया और अपनी आंखों को कत्ल वगारत देखने का आदि कर लिया। माफ करने और रहम करने के जज्बे को भूल कर चालाक, मक्कार और खुखार बन गया और उनसे इंतकाम लिया जिन्होंने मेरा सुकून छीना था। बस माजद, बस। तुमने जो किया ठीक किया। उस जुल्म और नाइंसाफी का बदला लिया जो जो तुम्हारे साथ हुई। आओ माजद, अब हम हमेशा के लिए जुदा हो जाए, यही हमारा मुकद्दर है, यही हमारी मंजिल। जुदाई का यह सफर शुरू करने से पहले कुछ कहोगी नहीं फातिमा? सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना मेरे दिल से जुबान तक आना चाहती है। कहो क्या है? अपने बेटे सैफ की खुशी, दुनिया में उसके फलने फूलने की खुशी। यह खुशी उसे मैं जरूर दूंगा फातिमा, यह मेरा वादा है। शुक्रिया माजिद, तुम्हारा यह एहसान मैं मर के भी याद रखूंगी। माजिद, माजिद, माजिद। इस कब्र की मट्टी को कब तक देखते रहोगे? और क्या देखूं? हर तरफ मौत रास्ता रोके खड़ी है। मेरा ख्याल है कि जब हम यहां आ रहे थे तो तुम चंद दिन ठहरने की बात कर रहे थे, कर रहे थे ना? क्या ख्याल है, ठहरोगे चंद दिन? हां ठहरूंगा, लेकिन अगर आप अपना किया हुआ वादा पूरा करें तो। मुझे बहुत भूख लगी है। आपको भूख लगी है? मैंने पिछले 24 घंटों से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। ठीक है रफीक, खाना ले आओ। आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। आप 1,000 दे चुके हैं, 999,000 बाकी रह गए हैं। क्या क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं चाहिए मुझे खाना, नहीं चाहिए। ले जाओ रफीक, खाना ले जाओ। सुनो सुनो, देखो खुदा के लिए मुझे खाना दे दो, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक है, आप 999,000 का चेक बनाकर दे दो, खाना मिल जाएगा। खाना ले आओ।
तो तुम मुझे मारना नहीं चाहते हैं? नहीं। फिर भी मुझे भूख से मरता हुआ देखना चाहते हो? देखो देखो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, मगर मगर मुझे इस कैद से आजाद कर दो, आजाद कर दो, आजाद कर दो। इसका मतलब है कि आप बहुत थक गए हैं? हाँ हाँ, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, थक गया हूं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत कम हिम्मत है आप में, और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो बुजदिलों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लग कुछ ऐसा रहा है, आज तुम भूख से मर जाओगे। शायद मर गए होंगे। क्या तुम्हें पछतावा है? पछतावा? किस बात का पछतावा? जो जुल्म तुमने किया उसका। तुम राजा साहब? राजा? राजा? मैं राजा साहब नहीं हूं। तो फिर कौन हो तुम? मैं हूं वो जिसे खौफनाक कैद खाने में एक उम्र गुजारनी पड़ी। मैं हूं वो जिसे कुचल कर तुमने अपनी दौलत बना ली। मैं हूं वो जिसकी शादी तुमने बर्बाद कर डाली। मैं हूं वो जिसका बाप तुमने भूख से मार दिया। मैं हूं माजिद अब्दुल्ला। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुबारक, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। याकूब जी सर, इसको खिलाओ पिलाओ, बाद में इसको आजाद कर देना। मैं समझा कि आप मुझे यहां क्यों लाए हैं। शायद आप मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मुझे पुरसकून मौत देना चाहते हैं। शायद आप यह भी चाहते हैं कि मैं आपके हाथ चूमकर, सारा का नाम लबों पर लाकर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। तुमने ठीक अंदाजा लगाया है, मैं भी यही चाहता हूं। शुक्रिया राजा साहब। मेरी जिंदगी में दुख सिर्फ आज की रात है, कल ये दुख नहीं होगा। ये सोचकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा राजा साहब कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं रुखसत हो रहा हूं राजा साहब, बहुत बहुत मेरे करीब आ रही है जिंदगी। जिंदगी बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर। मैं दूसरे जहां में आ गया हूं। लगता है राजा साहब सब कुछ बदल गया है। सारा
सारा। सारा, जो इस जहां में मेरे इतने दूर थी और इस जहां में मेरे इतने करीब, सारा सारा आज के बाद तुम नासिर से जुदा कभी नहीं होना। तुम्हारे लिए नासिर मौत की गहराइयों में कूद गया है। जब तक ये जमीन कायम है तुम उसे छोड़कर कहीं ना जाना। अगर मैं ना होता तो शायद नासिर और तुम्हारा मिलाप कभी ना होता। मेरे दिल की एक एक धड़कन आपके शुक्रगुजार है। आपने जो एहसान मुझ पर किया है उसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? बस सारे सफर में यही सोचती आई हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लैला बहन से पूछ लें। इस एहसान को लौटाने के लिए एक आसान तरीका है मेरे पास। लैला को बहन कहा है तो उसे हमेशा खुश रखना, मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मुझे यहाँ ना पाकर वो अकेली रह जाएगी, उसे अकेलापन महसूस ना होने देना। अकेलापन? अब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? देखो लैला, अब तुम पर किसी का हक नहीं है। तुम अली सुल्तान की बेटी हो, उसकी तमाम दौलत तमाम जायदाद की अब तुम वारिस हो। नहीं चाहिए मुझे वो दौलत और जायदाद। आप मुझे बताइए, क्या आप वाकई मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? आपने देखा राजा साहब, जुदाई का नाम सुनकर ही लैला कैसे सर्द हो गई है। ये क्यों देखेंगे सायरा? ये मेरे आका हैं, मुझे इन्होंने खरीदा है, मैं बांधी हूं इनकी। ये जो हुक्म देंगे हुक्म सुनना मेरा काम है बस। ओ खुदाया, मेरा शक दुरुस्त निकला। मेरी जुदाई तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ दे होगी? आपने मुझे जिंदगी में जीना सिखाया है। जिंदगी की सारी मुसरतें और खुशियां मेरी झोली में डाल दी और अब मैं चला गया तो मैं जान दे दूंगी। आपके बगैर जीना जीना नहीं मौत है। मुझे मोहब्बत है आपसे, आप मेरी जिंदगी हैं। दुनिया में मेरे लिए सिर्फ आप ही आप हैं, दूसरा कोई नहीं। दिल, धड़कन, जिंदगी, मरना जीना सब कुछ। मैं तन्हा रहकर अपने आप को सजा देना चाहता था, लेकिन शायद अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं। लैला, शायद तुम्हारी मोहब्बत मुझे वो सब फरामोश करने पर मजबूर कर देगी जिसे मैं भूल कर भी याद नहीं करना चाहता। अफसोस राजा साहब, आपने मुझे धोखा दिया। मैं अभी मरा नहीं, मैं अब तक जिंदा हूं। नासिर, मेरी तरफ देखो नासिर, मैं जिंदा हूं। और ये सब कुछ राजा साहब की वजह से। उन्होंने मुझे एक दवा देकर गहरी नींद सुला दिया था और फिर मेरी जगह पुतले को कफन पहनाकर दफना दिया। वो देखो राजा साहब, राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए। जिस बात में आकर अचानक मैंने आपको क्या क्या कह दिया। आपने आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मैंने तो बस अपना वादा निभाया है।
खैरियत तो है? राजा साहब ने यह खत दिया है। मेरे प्यारे नासिर, दुनिया में जहां जहां मेरा जो कुछ भी है आज से तुम्हारा है। ये माजिद अब्दुल्ला की तरफ से अपने पुराने आका हाजी अब्दुर्रहीम के बेटे नासिर को शादी का तोहफा है। नासिर, उस शख्स के लिए दुआ जरूर करना जिसने अपने आप को खुदा का शरीक समझा, लेकिन अब वो जान गया है कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ खुदा की जात है। और एक बात याद रखना, इंसानी खुशी सिर्फ दो लफ्जों में बंद है, इंतजार और उम्मीद। तुम्हारा दोस्त माजिद अब्दुल्ला अल मारूफ राजा साहब। राजा साहब का है वो, देखो वो जा रहे हैं। अब माजिद अब्दुल्ला से हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। तुमने देखा ना सर, राजा साहब ने क्या लिखा है कि दानिशमंदी और खुशी इन दो ही लफ्जों में है। इंतजार करो और उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से मत छोड़ो। समझे?